तो आ गए आप लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट इन हार्ट। फोटोशॉप वाली एडिटिंग सीरीज के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि डिजिटल पेंटिंग कैसे बनाते हैं। कुछ लोग इसको डिजिटल स्मज पेंटिंग भी बोलते हैं। इस वीडियो में मैंने अपने तरीके से एडिटिंग की है। ये नेसेसरी नहीं कि आप भी एग्जैक्ट प्रोसीजर फॉलो करो, आप अपनी क्रिएटिविटी से कुछ और भी कर सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इमेज लोड करने के बाद हम सबसे पहले बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए हम लासो टूल, पेन टूल या क्विक सिलेक्शन टूल भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल यूज करने वाला हूँ। क्विक सिलेक्शन टूल का ये फायदा है कि इससे सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन इसके लिए आपकी इमेज क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि प्रॉपर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन हो जाए। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन होने के बाद हम मास्क अप्लाई करेंगे। डायरेक्टली बैकग्राउंड रिमूव किया तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे मैं मास्क अप्लाई कर रहा हूँ। मास्क अप्लाई करने के बाद हम अननेसेसरी पार्ट को हटाएंगे। और यहाँ पे हम मास्क प्रॉपर्टी में जाके एजेस को थोड़ा स्मूथ करेंगे ताकि इमेज एजेस शार्प नहीं लगे। इसके बाद हम एक लेयर लेके उसमें बैकग्राउंड कलर फिल करेंगे। हम कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ब्लैक कलर यूज कर रहा हूँ। इसका रीजन ये है कि अगर हम हमारे ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं तो हमारा फोकस पूरा ऑब्जेक्ट पे ही होना चाहिए। इसके लिए हम बैकग्राउंड में ब्लैक कलर यूज करेंगे। और फाइनली अब जाके हम हमारा काम स्टार्ट करेंगे। अभी तक तो सिर्फ पूर्व तैयारी थी, अब से मेन पार्ट शुरू होने वाला है। सबसे पहले हम हमारे मेन लेयर को सेलेक्ट करेंगे, फिर फिल्टर ऑप्शन में जाएंगे और फिर शार्पन ऑप्शन के अंडर अनशार्प मास्क को सेलेक्ट करेंगे। इसमें आप इमेज को अकॉर्डिंगली रेडियस सेलेक्ट कर सकते हो। अनशार्प मास्क फिल्टर अप्लाई करने से हम आगे जो स्मजिंग करने वाले हैं वो स्मूथ हो जाएगी और उसमें ऑयल पेंट जैसा इफेक्ट आ जाएगा। तो हम स्मजिंग स्टार्ट करते हैं। उसके लिए स्मज टूल सेलेक्ट करेंगे और फिर ब्रश सेलेक्ट करेंगे और इमेज के अकॉर्डिंगली हम स्ट्रेंथ रखेंगे। फेस पार्ट के लिए मोस्टली हम 30-40% स्ट्रेंथ रखेंगे। यहाँ पे आप कोई भी ब्रश यूज कर सकते हो। मैं जो ब्रश यूज कर रहा हूँ उसकी डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एक्चुअल स्मजिंग स्टार्ट करने से पहले हम एक और चीज़ करेंगे। एक नई लेयर क्रिएट करके उसमें फेस के ऊपर स्किन टोन कलर वैल्यूज ऐड करेंगे। ये करने से स्मज करने के बाद अच्छा कलर इफेक्ट आ जाएगा। और फाइनली हम स्मज करना स्टार्ट करते हैं।
बालों के लिए हम अलग ब्रश यूज करेंगे। मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक देके रखी है उसमें ये ब्रश भी इंक्लूडेड है। यहाँ पे हमारा स्मजिंग वाला पार्ट पूरा हो चुका है। अब हम बैकग्राउंड ऐड करेंगे। यहाँ पे आप कोई भी कलर्स यूज कर सकते हो, ये अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। सिर्फ इतना इंश्योर करो कि अपने इमेज के साथ बैकग्राउंड मैच होना चाहिए। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि भले आप थोड़ा टाइम लगा दीजिए, लेकिन ट्राई करो कि बैकग्राउंड में जो कलर्स यूज हो रहे हैं उनका कॉम्बिनेशन अच्छा हो और सही हो, और बैकग्राउंड कलर्स अपने इमेज के साथ मैच करें। बैकग्राउंड फाइनल होने के बाद थोड़ा 3D इफेक्ट आना चाहिए, इसलिए हम हमारे इमेज का जो नीचे वाला पार्ट है उसको इरेज करेंगे। अब आगे हम हमारी इमेज को और ज्यादा फाइन करेंगे। हम हेयर को कलर करना स्टार्ट कर देंगे। उससे पहले हम यहाँ पे पेन टूल यूज करके बालों को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाएंगे और थोड़ा टेक्सचर ऐड करेंगे। इसको आप ज़्यादा फाइन कर सकते हो, यहाँ पे मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किया है। फिर हम लाइट इफेक्ट ऐड करने के लिए व्हाइट पैचेस ऐड करेंगे। इससे अच्छा इफेक्ट आता है और आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 3D कार्टून वाला इफेक्ट आ रहा है। हमने अभी तक आईज पे कुछ काम नहीं किया है, तो हम अभी आईज पे काम करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने जो ऑरेंज कर्व ऐड किया है उससे बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट आया है। अभी आगे हम हेयर को और कलर करेंगे। यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा कि बैकग्राउंड में जो कलर्स है उनको ही यूज करिए, सो दैट अपनी मेन इमेज और बैकग्राउंड मर्ज दिखे, एज अ सिंगल यूनिट दिखे। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इमेज का बैकग्राउंड अलग है और मेन पार्ट अलग है, इसलिए हम थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन भी सही यूज करेंगे। यहाँ पे कलर लाइट इफेक्ट आने के लिए स्किन पे हम थोड़ा कलर ऐड करेंगे।
और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बियर्ड है वो थोड़ी लाइट लग रही है, तो इसको थोड़ा डार्क करने के लिए हम ब्लैक कलर ऐड करेंगे। और जब हमारी इमेज फाइनल हो जाए तो हम एंड में कैमरा रॉ फिल्टर यूज करेंगे। कैमरा रॉ फिल्टर यूज करके हम हमारी इमेज को थोड़ा एनहांस करेंगे। तो फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी डिजिटल पेंटिंग तैयार है। यहाँ पे आप लोग अपनी इमेज को और ज़्यादा फाइन कर सकते हो, जैसे कि बैकग्राउंड को थोड़ा डार्क करना और अपने मेन इमेज को फोकस में लाना, ये पूरा आप पे डिपेंड है। अभी के लिए हम इतना ही करेंगे। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये ट्यूटोरियल अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।